कैसे साउंड आ रहा है ना, इतना ही पुराना ट्रेलर मिला है कि इसकी इधर की ना रबड़ ही नहीं है, मतलब जो होता है ना जैसे ये है साइड में काइंड ऑफ रबड़, इधर है ही नहीं, इतना ही पुराना ट्रेलर मिला हुआ है। और अंदर से ऐसी आवाजें आ रही है ना विंड के साथ, मे भी जैसे हारमोनियम बजा रहा हो कोई। आज इतना डरावना सा ट्रेलर मिला है ना, शायद उसमें विंड क्रॉस कर रही है जो भी है, सो उसमें से आवाजें आ रही है जैसे कोई वेट के अंदर हारमोनियम बजा रहा हो। बहुत ही आज डरावना ट्रेलर मिला हुआ है, थोड़ा डर लग गया मुझे पीछे गेट बंद करते हुए। इतनी अच्छी आवाज आ रही थी जैसे लाइक कोई हारमोनियम बैठ के बजा रहा हो, ऐसी आवाज थी। एक अलग ही, ये एक अलग ही टास्क है मेरे लिए। तो आज मैं पूरे 15 मिनट लेट हूँ। ये किसी ने बैकअप लगाई होगी, बट बहुत ही टेढ़ी बैकअप है, मतलब कैसे दिखाऊंगी, अगर समझ में आ रही हो ना कि जिसने लास्ट में ये बैकअप लगाई होगी, आई थिंक फ्राइडे को ही लगाई होगी, बहुत ज़्यादा ना ऐसी टेढ़ी है, उस साइड में जा रहा है ट्रेलर। ये मैंने ग्लव्स पहन लिया है, सो ये देखिए इसका हैंडल ही कैसा है ना, अजीब सा। कितनी बारिश हो रही है आज, मतलब तीसरा दिन है लगातार बारिश हो रही है ना यहाँ पर, और अभी 2-3 दिन और होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब मैं इतना अपनी बिल्डिंग से निकल कर थोड़ा सा आगे आई हूँ और गीली हो गई, और ये बारिश ना लगातार 3 डेज हो चुके हैं, अभी 2-3 दिन आगे और पड़ेगी, सो बहुत तेज़ बारिश है। और अपने काम पर तो मैं चली रही हूँ, आगे का देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। अभी मैं अंदर पंचिंग कर आई हूँ और अपने ट्रक को स्टार्ट करके बैठ गई हूँ। सो आज मैं पूरे 15 मिनट लेट हूँ, 15 मिनट्स लेट हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, बिकॉज ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ही यहाँ पे बारिश होने लग जाती ट्रैफिक बढ़ता ही चला जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। वेल, काम मिल चुका है और ट्रक मतलब मेरे पास है ही, ट्रेलर को हुक करने लगी हूँ, एंड स्कैनर भी मिल गया, आवाज़ तो सिलाई दे ही गई होगी। थोड़ी सी दूर जाना है, मॉन्ट्रियल में नहीं है, मॉन्ट्रियल से बाहर जाना है, तो स्टार्ट करते हैं जाना, पहले हुक कर लूँ। मैं बस बाहर की बारिश देख कर ना थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ठंड सी हो गई है ना, मन सा थोड़ा सा ऐसा सा हो रहा है कि बस काम ना ही करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, ठंड है तो क्या हुआ, काम करते हैं। ये किसी ने बैकअप लगाई होगी, बट बहुत ही टेढ़ी बैकअप है, मतलब कैसे दिखाऊंगी, अगर समझ में आ रही हो ना कि जिसने लास्ट में ये बैकअप लगाई होगी, आई थिंक फ्राइडे को ही लगाई होगी, बहुत ज़्यादा ना ऐसी टेढ़ी है, उस साइड में जा रहा है ट्रेलर, इतना स्पेस है। ये मैंने ग्लव्स पहन लिया है, सो ये देखिए इसका हैंडल ही कैसा है ना, अजीब सा, वो हैंडल बिल्कुल ही ऐसे कोने में घुस गया है ना बिल्कुल। ये तो कुछ अलग ही लेवल का आज ट्रेलर मिल गया, जिसका अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस हैंडल को पूरा ही अंदर करना पड़ेगा, जब पूरा करना पड़ेगा तो घूमेगा कैसे, ये देखो कैसे, एक सेकेंड दिखाती हूँ अलग से, अब देखिएगा ये देखो इसके साथ कितना ही अड़ रहा है ना, अरे राम हो जा। और ऊपर तो आ रहा है ये, लेकिन इसको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, एक अलग ही, ये एक अलग ही टास्क है मेरे लिए। तो तीन डिलीवरियां हैं और स्किट्स काफ़ी हैं, मतलब आधे से थोड़ा कम, काफ़ी भरा हुआ है ट्रेलर, तो स्किट्स काफ़ी हैं, लेकिन डिलीवरी तीन, ये कैसे साउंड आ रहा है ना, इतना ही पुराना ट्रेलर मिला है कि इसकी इधर की ना रबड़ ही नहीं है, मतलब जो होता है ना जैसे ये है साइड में काइंड ऑफ रबड़, इधर है ही नहीं, इतना ही पुराना ट्रेलर मिला हुआ है। और अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही है ना विंड के साथ, मे भी जैसे हारमोनियम बजा रहा हो कोई। आज इतना डरावना सा ट्रेलर मिला है ना, शायद उसमें विंड क्रॉस कर रही है जो भी है, सो उसमें से आवाज़ें आ रही है जैसे कोई वेट के अंदर हारमोनियम बजा रहा हो। बहुत ही आज डरावना ट्रेलर मिला हुआ है, थोड़ा डर लग गया मुझे पीछे गेट बंद करते हुए। इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी जैसे लाइक कोई हारमोनियम बैठ के बजा रहा हो, ऐसी आवाज़ थी। पहली लोकेशन पे आ गई, मतलब डिलीवरी का
कर दी है, मैंने ऑलमोस्ट लगा दी बैग बिकॉज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना बाहर, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि मैं फोन ही ले जाके बाहर ना वीडियो ही नहीं बना पाई ना कैमरा लगा के, बिकॉज इतनी ज्यादा ठंड हो गई अचानक से। मुझे इतना भी नहीं अंदाजा था कि मैं जैकेट लेकर आऊँ कुछ लेकर आऊँ, मेरा ना ये वाला हाथ इतना ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है ना, बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है अचानक से। मुझे ना पहले लगा कि ये शायद कोई पाइप का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, बट ये पता नहीं क्या है। और ये ना अभी चलता हुआ भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा, देखो सांप तो नहीं है बट है क्या ये नहीं पता। ओह गॉड, ये तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, थोड़ा सा डर है। मैं तो वैसे दूर खड़ी हूँ कि भयानक बारिश में ये ना मेरा ट्रेनर और ये यहाँ खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर रेंग रहा है, पता नहीं कौन सा कौन है ये, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं है। कांतर तो बहुत छोटी होगी, ये पता नहीं क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे इतने ज़्यादा ना, अभी बाहर बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और प्रॉब्लम ये है कि अंदर अगर मैं इसके अंदर ट्रक में हीटिंग ऑन कर रही हूँ तो इस पर स्टीम हो जा रही है, तो हल्की सी ना मैंने इसका कूलिंग करी सो दैट की स्टीम ना रहे ना। बहुत अजीब सा है आज का तो दिन। अभी जो मैं दूसरे लोकेशन पर जा रही हूँ ये भी अराउंड 11 टू 12 किलोमीटर फार अवे है फ्रॉम दिस लोकेशन। आ गई हूँ दूसरी डिलीवरी के लिए, यहाँ पे कुछ अलग ही हिसाब किताब है, एक आधा कुछ यहाँ पे बन रही है एक डोर और कुछ सामने बन रही है, सो देखना पड़ेगा कि डिलीवरी के लिए कौन सी, और हो सकता है ये पिकअप के लिए हो, चेक करती हूँ अंदर जाके। और ये वाली तो काफ़ी काफ़ी मज़ेदार है, इसमें कुछ नहीं है, सीधे ले जाके लौट के ऐसे आ जाओ। पूछने जा रही हूँ पहले कंपनी में कि यहाँ पर बैकअप करनी है या वहाँ करनी है। यहाँ बैकअप करना है, आसान है, बस अभी गेट खोल के यहाँ पे लगाती हूँ। इतना ही अच्छा तरीका है ना स्ट्रीट को साफ करने का, फुटपाथ को साफ करने का, मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। वैसे देखा है मैंने क्लीनिंग होती है लेकिन इस तरह पहली बार देख रही हूँ। कंपनी के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ आना चाहिए था, मतलब जो एड्रेस दिया था मुझे स्कैनर में, बट इनने कहा इनकी दूसरी एक लोकेशन है वहाँ जाना है। और ये अंदर तो कुछ भी नहीं था, मतलब अंदर सिर्फ लॉन्ड्री के लिए है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं ना जिसको मैं स्टॉप करके लोग पैलेट्स उतार सकें। सो अब दूसरे एड्रेस पर जा रही हूँ, मुझे लगता नहीं है यहाँ कोई डिलीवरी हो पाएगी, आई थिंक यहाँ पर छोटे ट्रक आने चाहिए बिकॉज इनके पास कोई और स्पेस नहीं है। मैं अभी उतर के दिखाती हूँ, यहाँ कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, या तो मुझे ट्रक थोड़ा आगे ले जाके पीछे ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ लग रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ पर देखती हूँ, वेल ये डिलीवरी तो हो गई है कैंसिल बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है बैकअप के लिए, और दूसरी बात इनके पास जिगर भी नहीं है ना कोई मशीन है जिससे सामान उठा सके, सो ये तो कैंसिल हो गई है। अब डिस्पैचर कन्फर्म करती हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी पहली पिकअप पर, जो लोकेशन है एक्चुअली कुछ और थी लोकेशन, बट स्कैनर में लोकेशन चेंज कर दी, मे बी इवनिंग वाली डिस्पैचर ने कर दी होगी। सो ये मैं जगह काफ़ी बार आ चुकी हूँ, बस यहीं पे बैकअप करने लगी हूँ पिकअप के लिए। इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ना कि मुझे हाईवे पे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। बैकअप तो ऑलमोस्ट लगी गई है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इसे सीधा कर दो ट्रक को। अब सही हो जाएगा, मुटेबरे ना एकदम बारिश आ रही है, मुटबरे पानी आ रहा है सीधे। लगी गई है तो, ये कितनी तेज जाके लगी कोई आइडिया नहीं रहा। अभी ना ट्रक में चढ़ते चढ़ते मेरा ये जो घुटना है वो जाके इसमें लगा, काफ़ी तेज लग गई मेरे को। एक्चुअली मैं अपनी सीट को ना काफ़ी आगे रखती हूँ क्योंकि मेरा पैर उधर तक पहुँच सके ना, पूरी पैंट भी गीली हो गई है पूरी,
और ये पूरा लग गई मेरे। फर्स्ट पिकअप कंप्लीट हो गई है, अभी मेरे को देखा मैंने डिस्पैचर ने मेरे को 3 पिकअप्स और एक्स्ट्रा दे रखी है, मतलब पहले 2 थी 2 और डाल दी। सो मैं पक्का श्योर हूँ कि एक तो पिकअप छूटेगी, बिकॉज टाइमिंग अभी जो हो रहा है टाइम वो 2 बज चुके हैं ना, और 4 बजे तक या 4:30 तक सारी कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। सो देखते हैं बाकी का तो, और जाने में भी अभी यहाँ से अराउंड 60-70 मिनट्स लगेंगे सेकेंड लोकेशन पे। मैं यहाँ इतनी दूर एक कंपनी में आई हूँ, बट इनकी पता डोर कैसी है, बस ऐसी, मतलब कि बाहर की साइड ही है, कोई खास वैसे नहीं है जैसे होती है ना प्रॉपर डोर है या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ इसको अंदर ला के ऐसे घुमा के लगाऊँ तो हो जाएगा बैकअप, है ना, अंदर पहले करके ऐसे घुमा के हो जाना चाहिए, काफ़ी जगह है।